हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम अपनी बाइक में जो है वो डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने वाले हैं गाइस, क्योंकि जो कंपनी से हमारे इसमें जो ड्रम ब्रेक आता है उसको हम चेंज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसमें ड्रम ब्रेक हम मिलता है, लेकिन हम इसमें डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने वाले हैं गाइस। ये आप सामान देख रहे हैं, ये हमने जो है कबाडी की जो शॉप होती है वहाँ से हमने इसको बाय किया है गाइस। आपको अगर हम दिखा दें तो ये कुछ 80-17 नंबर का इसके अंदर टायर डाला हुआ है और ये स्टैंडर्ड गाड़ी से जो है निकला हुआ है गाइस। इसको हम अपनी बाइक में लगाने वाले हैं और आपको एक एक प्रोसेस जो है अलग अलग दिखाएंगे और बताएंगे भी कि इसमें आपको कितना खर्चा आएगा और आपको इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। और ये इसकी असेंबली है, आप देख सकते हैं डिस्क ब्रेक की, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में हमको ये मिल गया है। ये प्रॉपर वर्क कर रहा है गाइस, हमको सिर्फ इसको फिट करना पड़ेगा और थोड़ा काम और करना पड़ेगा इसके लिए जो है। हमें ये आप देख रहे हैं ब्रेक लीवर ये कम्प्लीटली सेट हमको मिला है, और दोनों जो फ्रंट के जो शॉकर है गाइस वो भी जो है हमको चेंज करने पड़ेंगे इसके साथ। ये देख सकते हैं आप, हमने दोनों शॉकर भी इसके साथ में जो है बाय किए हैं गाइस। और गाइस ये इसकी जो डिस्क पैड होती है वो है, और बाकी जो है हम आपको जो है अब इसको जो है अपनी बाइक के जो फ्रंट व्हील है उसको खोलने दें सबसे पहले, और उसके बाद में जो है हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। खोलना काफ़ी सिंपल ही है गाइस। खोलने के लिए हमें दोनों साइड आप जो ये नट्स देख रहे हैं, एक ही यहाँ पर है और एक इसके ऊपर की साइड है, दोनों साइड एक ही तरह से नट दिए गए होते हैं गाइस। आप ये जो दो नट देख रहे हैं इनको खोल ले गए हम, और उसके बाद हमारे शॉकर जो हैं वो नीचे की साइड में निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसका मरकार्ड और नीचे से जो एलाई व्हील है उसको खोल लेना है, और उसके बाद में जो है हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, हम फटाफट से जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं और आपको जो है इसकी एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि आपको इसमें जो है किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। पीछे भी हम लगाएंगे, लेकिन गाइस उसके लिए काफ़ी कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम आगे की साइड में इसको लगाते हैं, और सबसे पहले जो है हम आपको एक चीज़ और बताते गाइस, अगर आपको ये बाय करना होगा तो इसके लिए जो है हम आपको आप हमें इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम फटाफट से इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं गाइस, हमने इसके मरगार्ड को भी जो है एक साइड में खोल लिया है। अब इसके बाद जो है हमें ये इसके जो दोनों शॉकर हैं इनके एक नट ये आप देख रहे हैं 14 नंबर का, और एक ये ऊपर जो 17 और 18 नंबर का हमारा नट है उसको हमें खोल लेना है, और हमारे शॉकर जो है वो इजीली बाहर निकल जाएंगे। हम इनको फटाफट से खोल लेते हैं, उसके बाद में जो है हमको इसमें दूसरे वाले शॉकर फिट करने पड़ेंगे। नट को जो है अपने ढीला कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम आपको घुमाकर जो है कुछ ऐसे बाहर आसानी से निकल जाएगा, और जो दूसरे वाला है उसको भी हमें ऐसे ही इसके अंदर लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये वाले जो हमारे डिस्क ब्रेक वाले जो शॉकर है इसको जो है हमको अपने राइट साइड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी डिस्क प्लेट होती है गाइस वो इसके अंदर फिट होती है, और उसके ऊपर जो है ये नट सेम उसी तरह से जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही हम इसको फिट कर देंगे, और उसके बाद में जो है हम इसको अच्छी तरह से टाइट भी कर देंगे।
आप देख सकते हैं गाइज, हमने दोनों शॉकर को जो है प्रॉपर वो फिट कर दिया है। इसके बाद में जो है हम इसके अंदर अपना जो एलाई व्हील है ये आप देख सकते हैं, इसको फिट करेंगे और उसके बाद में जो है इसकी असेंबली है उसको भी हम लगाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसको फिट करते हैं। इसका जो एक्सेल है उसका नट जो है हम खोल कर जो है इसके अंदर से जो है हम इसको फिट करेंगे और उसके बाद बाहर से जो है इसमें एक्सेल डलेगा। और ये इसकी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मीटर की जो गरारी होती है गाइस, यहाँ से मीटर की वायर इसके अंदर लगेगी और मीटर भी हम चालू करेंगे इसका। इसको जो है हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है और दोनों शॉकर के बीच में जो है इसको हम इसके अंदर एक और चीज़ लगेगी गाइस, हम आपको बता दें, ये गोल टाइप आप एक्सेल के अंदर जो लगेगी इसको भी हमें इसमें लगाना है, तभी हमारा जो एलाई व्हील है वो प्रॉपर फिट आ पाएगा। आप देख सकते हैं हमने एक्सेल इसके अंदर डाल दिया है और हमारा एलाई व्हील आप देख सकते हैं फिट हो चुका है। अभी हमने इसको टाइट नहीं किया है, बाद में हम इसको टाइट भी कर देंगे और इसके बाद में जो है हम इसमें अपनी जो डिस्क ब्रेक की असेंबली है उसको भी हम लगा देंगे। तो चलिए गाइस हम फटाफट से उसको भी इसमें लगा लेते हैं और इसकी असेंबली जो है अब हमें इसकी असेंबली को लगाना है। पहले हम जो है इसकी असेंबली को जो है ऊपर की साइड से, ये आप हमारा योग और लीवर देख रहे हैं और जो हमारा ये हैंडल बार स्विच है इसको भी हमें खोल लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा जो डिस्क ब्रेक वाला जो पंप है हमारा वो यहाँ पर फिट होगा गाइस, इसको सिंपल वाले को हमें ईजिली बाहर निकाल देना है। तो चलिए गाइस हम फटाफट से इसको खोल लेते हैं, उसके बाद में जो है अपना ये इस पर यहाँ पर फिट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने सब कुछ इसका खोल दिया है। अब हमारा जो है योग और लीवर बचा है इसको भी हमें जो है आसानी से वो बाहर निकाल लेना है। इसकी वायर को हमने पहले ही निकाल दिया है, इसके लिए हमें थोड़ा जो है इसको मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन ये निकल गया गाइस आप देख सकते हैं और प्रॉपर जो है इसके अंदर फिट आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने जो है इसको अच्छी तरह से जो है इसमें फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद में जो है इसमें हैंडल बार स्विच और हमारा जो ग्रिप है उसको भी हम लगा देंगे। अब हम उसको लगा लेते हैं, आप देख सकते हैं हमने इसको फिट कर दिया है और हमारा जो एक्सीलेटर है वो प्रॉपर जो है वर्क कर रहा है। अभी डिस्क ब्रेक हमारे चल नहीं रहे हैं क्योंकि हमारी असेंबली अभी हमने फिट नहीं की है और इसके बाद जो है हम इसको फिट करते हैं। और आप ये डिस्क पैड देख रहे हैं, लगाने से पहले हमें इसके अंदर फिट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पिस्टन जो दिए गए होते हैं और इनको जो है इस पिन को जो है हमें आसानी से यहाँ पर से निकाल लेना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आसानी से निकल जाएगी, आप देख सकते हैं वो निकल गई है। और इसके बाद जो हमारी जो पिन है उसको हम बाद में जब हमारे डिस्क पैड इसके अंदर लग जाएंगे तब हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे। तो चलिएगा हम फटाफट से इसके अंदर अपने डिस्क पैड जो है वो फिट कर देते हैं और उसके बाद में अपनी असेंबली भी जो है हम इसको आसानी से इसमें लगा देंगे। तो चलिए हम फटाफट से डिस्क पैड अपने लगा देते हैं। और इसके बाद जो है हमें इसकी जो पिन है उसको जो हम जहाँ से हमने निकाला था इसको हम वहीं पर जो है वो इजीली फिट कर देंगे ताकि हमारी जो डिस्क पैड है वो अपनी जगह प्रॉपर बने रहें और ये बाहर ना निकले। तो अच्छी तरह से हम जो है लॉक कर देंगे अंदर, ये बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं डिस्क पैड जो है हमारे वो लग चुके हैं। अब जो है हमारी असेंबली जो है वो फिट होने के लिए रेडी है। इसके बीच में हल्का सा हमको गैप कर देना है ताकि हमारी जो डिस्प्ले है वो इसके अंदर आसानी से वो लग जाए और हमारा जो एलाई व्हील है वो ज़्यादा जाम ना हो और हमारा जो एलाई व्हील है वो फ्री चले। वरना कई बार क्या होता है गाइस, अगर डिस्प्ले जाम हो जाती है तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आती है
और रोड पर चलते हुए हमें जो है बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये काफ़ी टाइट आ रहा है, लेकिन इसको जो है हम हल्का सा जो है इसमें लूज कर देंगे, इसका प्रेशर जो है हम कम कर देंगे, ताकि हमारा जो डिस्क ब्रेक है वो कंफर्टेबल जो है वो चलता रहे। और 12 नंबर के पाने से जो है हमें दोनों नट को जो है अच्छी तरह से वो टाइट कर देना है। इनको हल्का सा जो है हम हल्का सा भी हमें इसे लूज नहीं छोड़ना है, हमको अच्छी तरह से जो है इनको टाइट कर देना है गाइस, ताकि हमारी जो डिस्क ब्रेक की जो असेंबली है वो प्रॉपर फिट रहे और ब्रेक मारते टाइम पर कोई दिक्कत ना आए। इनको अच्छी तरह क्लॉक वाइज हमें अच्छी तरह से टाइट कर देना है, और उसके बाद में जो है हम इसमें मरगार्ड भी लगाएंगे और इसको पूरा आपको एक लुक चेकआउट कराएंगे गाइज। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने कम्प्लीटली इसको फिट कर दिया है, हमने इसमें मरगार्ड भी लगा दिया है। मरगार्ड के लिए हमें थोड़ा जो है इसके साथ में यहाँ पर मरगार्ड में अपना होल करना पड़ा है, लेकिन हमने लगा दिया है प्रॉपर। आप देख सकते हैं गाइज प्रॉपर फिटिंग जो है हमारी वही आ रही है जो हमारे पिछले जो हमारा इसका जो मरगार्ड और शो करते हैं उनके हिसाब से कम्प्लीटली फिट आ रहा है। और अब गाइज हम जो है अपनी जो ये वाली जो आप जब भी देख रहे हैं इसके अंदर में जो है आप ये बोस कंपनी का हमने DOT 3 जो आप देख सकते हैं ये हमने ब्रेक ऑयल जो है इसका बाय किया है। आप इसकी प्राइस भी देख सकते हैं गाइस। अब हम इसको इसकी कैप ये दो नट्स आप देख रहे हैं इनको खोल के इसको ओपन कर देंगे गाइस, और तेल डालने के बाद जो हमारा जो यहाँ पे ब्रेक लीवर देख रहे हैं इसको हमें ऐसे जो है पुश करना पड़ेगा गाइस, और उसके बाद में हमारे जो ये असेंबली है ब्रेक इस ब्रेक की इसके अंदर में जो पिस्टन है उनको प्रॉपर जो प्रेशर है इसका जो पावर है वो मिल जाएगी। तो गाइस चलिए गाइस हम सबसे पहले जो है अपनी जो फ्यूल की ये जो कैप है आप इस देख रहे हैं इसको हम ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में जो है हम इसके अंदर ब्रेक ऑयल डालते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस ये ओपन हो चुका है, और इसके अंदर में भी ये है हमारा जो ब्रेक ऑयल है वो नहीं है, ये ब्रेक ऑयल अपना डालेंगे और इसको यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं गाइस ये आपको लाइन दिख रही है यहाँ तक कि हम इसको ये इसमें तेल डालना है, हमें इसको ऊपर तक नहीं डालना है, ठीक है। फटाफट इसके अंदर तेल ये डालना स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं गाइस हमने इसके अंदर फ्यूल डाल दिया है, अब हम इसको ऐसे करेंगे तो इसके अंदर में जो है वो प्रेशर जो है बनना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कैप लगा लेते हैं, उसके बाद में जो हम इसकी लीवर को जो है वो पुश करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कैप लगा लेते हैं। तो गाइस हमने कम्प्लीटली इसको बंद कर दिया है, अब हम जो आपको जो है अपना व्हील एक बार चला कर दिखा देते हैं कि हमारा व्हील जो है वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है गाइस। अभी अगर हम बात करें तो ब्रेक नहीं लग रहे हैं, आप देख पा रहे हैं गाइस हम ब्रेक दबा रहे हैं लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहा है गाइस। चलिए हम सबसे पहले इसके लीवर को जो है इसमें इसके अंदर जो प्रेशर है वो बना लेते हैं, उसके बाद में आपको जो है इसको चेक कराते हैं। तो गाइस कम्प्लीटली हमने अपने जो बाइक है उसके डिस्क ब्रेक में जो प्रेशर है वो बना लिया है, अब हम आपके पास घुमा कर दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं गाइस हमारे जो ब्रेक है ऊपर काम कर रहे हैं। तो चलिए गाइस अब सबसे पहले जो है अपनी बाइक को जो है रोड पर ले जाकर दिखा देते हैं कि हमारे डिस्क ब्रेक वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं नहीं। तो चलिए गाइस हम सबसे पहले इसको रोड पर ले जाकर ट्राई करते हैं कि हमारे ब्रेक जो है वो प्रॉपर चल रहे हैं नहीं। तो चलिए गाइस हम सबसे पहले इसको अच्छी सी रोड पर ले जाते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं सुनसान रोड पर हम आ चुके हैं हाईवे पर। तो हम आपको अपने जो डिस्क ब्रेक है उनको चेक कर दिखाते हैं कि हमारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं। तो चलिए गाइस हम सबसे पहले आप उनको चेक कराते हैं।